हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि बालों से च्युइंगम कैसे निकालें। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मेथड ऑफ रिमूविंग अ च्युइंगम स्टक ऑन योर चाइल्ड्स हेयर। सो दिस इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी। दिस इज एंड ऑल माई वीडियोज आर डायरेक्टली रेफरेंस फ्रॉम द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ऑफ US। सो यू कैन ट्रस्ट द इन्फॉर्मेशन, हमारी जानकारी पे आप भरोसा कर सकते हैं। सो अगर कहीं आपके बच्चे के या आपके बालों में च्युइंग गम अटक जाती है तो आप क्या करेंगे। इफ च्युइंग गम इज स्टक देयर, डोंट वरी, नो नीड टू वरी, फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स एंड यू विल टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स एंड वो निकल जाएगी। सो फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, आपको यू नीड टू फाइंड अ जार ऑफ पीनट बटर, क्रीमी स्टाइल पीनट बटर और वेजिटेबल ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल। सो ऑलिव ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए, खाना पकाने का तेल ले लीजिए या पीनट बटर आता है वो ले लीजिए, और उससे सबसे पहले आपको जो गम है, जो च्युइंग गम है, उस च्युइंग गम को कम्प्लीटली कवर कर देना है, उसे पूरी तरह से कवर कर देना है ऑयल से या पीनट बटर से। आप अपना फिंगर्स इस्तेमाल कर सकते हैं या पुराना कोई टूथब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन जस्ट कवर इट, उससे पूरा लगा देना है उसको सही तरीके से। और उससे क्या होता है, पीनट बटर से या ऑयल से बेसिकली जो च्युइंग गम है उसका जो बेस है वो स्टिफर, वो ज़्यादा कड़क हो जाता है, इट बिकम्स मोर स्टिफ एंड लेस स्टिकी, वो थोड़ा कम स्टिकी हो जाता है और स्टिफ हो जाता है, तो वो एक बार में निकल जाएगा, ना कि फिर उसके टुकड़े टुकड़े निकालते रहोगे आप, वो फिर प्रॉब्लम होती है। सो इसीलिए इसको लगाना है, इसको लगा के वेट फॉर फ्यू मिनट्स, अलाउ द प्रोडक्ट टू वर्क, उसको थोड़ा टाइम दो, वो बढ़िया से वर्क करेगा, वो उसे स्टिफ कर देगा और लेस स्टिकी, कम चिपचिपा वाला कर देगा, और फिर धीरे से आप उसको निकालिए, खींच के निकालिए, रिमूव द गम फ्रॉम द हेयर स्लोली, देन यू कैन डू दैट। एंड वेजिटेबल ऑयल इज स्पेशली यूजफुल व्हेन रिमूविंग द गम फ्रॉम द आईब्रोज और आईलैशेस, तो बहुत काम का है। इवन आँख के आईब्रोज से, आई लैशेज से निकालने में आपके खाने बने का तेल जो है, खाना बनाने का तेल बहुत काम का है। उसके बाद ऑब्वियसली जब निकल जाता है, उसके बाद अपने बच्चे का हेयर, अपना हेयर जो भी है, उसे सही तरीके से फिर से अच्छे से धोइए, जैसे भी आप धोते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि उनमें से खाने पीने की स्मेल आने लग जाए, राइट। तो उनमें खाने जैसी स्मेल आए, ऑयल्स की स्मेल आए, सो दैट्स ऑल यू शुड डू। इससे ज़्यादा अगर इससे भी नहीं निकल रहा है, दिस इज़ नॉट वर्किंग, देन यू शुड गो टू अ डॉक्टर और यू कैन कट द हेयर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज, डू वॉच माई अदर वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। दिस इज डॉक्टर परमजीत एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। मेनी मोर वीडियोज आर अवेलेबल, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।